तो ये नेता जो इलेक्शन के दौरान गांव का दौरा करते हैं, पहले तो कभी ना इलेक्शन से पहले कभी दिखाई नहीं देते, ऐसा क्यों? अब वो तो जो नहीं जो इलेक्शन के टाइम में नेता पहले अपने वायदे भी करते और बाद में ये वायदे पूरे भी नहीं होते, इलेक्शन के टाइम में ये वायदे करते हैं, बाद में कहां जनता का फर्ज, जनता का फर्ज। तो कर्ण जी आज बद्दवाला गांव में पहुंचे हैं, तो क्या कुछ मकसद था और किस प्रकार की भेंट आज कार्यकर्ताओं के साथ? आज तकरीबन 34 गांव कंप्लीट करके पिछले 3 दिनों में बद्दवाल पहुंचे हैं, यात्रा की तैयारी के लिए निमंत्रण देने आया था और गांव के लोगों ने पूरा आश्वासन दिलाया है कि यात्रा के स्वागत के लिए काफ़ी भीड़ में पहुँचेंगे और साथ साथ जो गाँव का प्रोग्राम है उसकी भी तैयारी करेंगे। तो कब जैसे आगमन होगा नरवाना हल्के में? 3 तारीख को दोपहर में लगभग 3 बजे खरडवाल गांव में यात्रा पहुंच जाएगी। तो जो पार्टी के कार्यकर्ता थे वो जेजेपी में चले गए थे, इस यात्रा से कोई फर्क अब तक जो पार्टी देख रही? जितने ऐसे कोई साथी इधर उधर गए थे वो सारे अब घर वापसी करना चाहते हैं और वो सारे यात्रा में आकर के जुड़ेंगे भी। तो क्या कुछ विचार वो कार्यकर्ता अब जो इनेलो से दोबारा जुड़ कर, क्या कुछ विचार है उन कार्यकर्ताओं को दोबारा से पार्टी में जुड़ रहे हैं? वो तो जुड़ रहे हैं ना, उनका मन है, वो जब वहाँ पे गए थे जब तो उनको बड़े बड़े वायदे करे गए थे सरकार में, तुम्हारे को बढ़िया काम मिलेंगे, आज सिवाय झूठ के कुछ नहीं मिला उनको, अरे धोखा हुआ उनके साथ, ये बात उनको एहसास हुआ, तो अब वो जो आस्था उनकी चौधरी देवीलाल जी में थी वो दोबारा पार्टी के प्रति जागी। तो जननायक जनता पार्टी से डिप्टी सीएम बने दुष्यंत चौटाला, तो देवीलाल जी की जो भावनाएं थी, जो उनका कर्तव्य था, क्या वो बढ़ा है या फिर कहीं नीचे गिरा गया? उन्होंने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए चोई साहब का नाम का इस्तेमाल किया। अगर सही मायने में चोई साहब की सोच को किसी ने आगे आज के दिन बढ़ाया है तो अभय सिंह जी बढ़ा रहे हैं। तो विप्लव देव जो बीजेपी के प्रभारी हैं उन्होंने कहा है कि उचियाना हल्के की बात करें जहाँ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला विधायक है कि प्रेमलता चुनाव लड़ेंगी, दूसरी तरफ गठबंधन है और डिप्टी सीएम भी कह रहे हैं कि वो भी चुनाव लड़ेंगे, तो क्या देखते हैं आप इससे? मैं तो कहता हूँ दोनों लड़ लो, अच्छी बात है। जो गठबंधन की बात कह रहे हैं कि साथ लड़ेंगे, लेकिन भाजपा कह रही है कि हम ये गठबंधन जो जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा है कि ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, राजनीति का चाणक्य आप उनको मान कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं ये बात उनकी सच होने वाली है, चुनाव से पहले ही गठबंधन टूटेगा। तो बीजेपी लगातार कह रही है कि हम लड़ेंगे, लेकिन जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला है वो पार्टी के साथ लगातार लगे हुए हैं, इससे आप क्या सोचते हैं? मैं तो कह रहा हूँ दोनों को लड़ना चाहिए, अच्छी बात है। बस मैं तो जींद की जनता और आपके माध्यम से हरियाणा की जनता को एक ही बात कहूँगा, इस सरकार ने कई बार प्रयास करे हमारा भाईचारा तोड़ने की, आपसी भाईचारा कायम रखो, जात पात धर्म से ऊपर उठ करके हरियाणा हित की जो बात करे और चोई साहब के चौधरी देवीलाल जी के सपनों को सही मायने में साकार करना चाहता हो उस सरकार को चुनो। नमस्कार। तो आज आप इस गांव में पहुंचे हो, जैसे कि कोई भी नेता किसी भी गांव में आए तो लोगों में खुशी सी होगा, आज से हो कि उनकी बात भी सुनी जा। तो ये नेता जो इलेक्शन के दौरान गाँव का दौरा करते हैं, पहले तो कभी ना इलेक्शन से पहले कभी दिखाई नहीं देते, ऐसा क्यों? अब वो तो जो नहीं आते उनसे पूछना पड़ेगा, मैं तो नरवाना के साथ 2013 से जुड़ा हूँ लगातार। इलेक्शन के टाइम में सिर्फ उन्हें गांव की गलियां दिखाई देती है, पहले वो तो नहीं देती। वो तो उन नेताओं से पूछो ना जो नहीं आते, हम तो इनसे मिलते रहते हैं, मैं तो आता रहता हूँ। और जो इलेक्शन के टाइम में नेता पहले अपने वायदे भी करते और बाद में ये वायदे पूरे भी नहीं होते, इलेक्शन के टाइम में ये वायदे करते, जनता का जनता का फर्ज बनता है, अगला जब चुनाव आए इनको सबक सिखाओ ताकि दोबारा ये आकर के आपके बीच में झूठ ना बोलें और दोबारा कभी इस कुर्सी पर ना बैठे। जैसे कहते हैं भारतीय लोकतंत्र एक ऐसा है जैसे कि जनता का शासन होता है लोकतंत्र में, तो ये जनता ये बीजेपी सरकार की उसमें सड़कों पर इन्होंने तो इस लोकतंत्र को तोड़ने का काम किया है, जहाँ कहीं जनता ने अपने शांतिपूर्वक तरीके से बात रखनी चाहिए इन्होंने लाठियां बरसाने का काम किया। जहाँ जनता ही सड़कों पर है तो वहाँ लोकतंत्र कहाँ है? वो तो हम मान ही रहे हैं, उसी के खिलाफ तो हमारी लड़ाई है। भाई करण चौटाला जिंदाबाद, भाई करण चौटाला जिंदाबाद, इन्हें लो पार्टी जिंदाबाद। ठीक है सर।